गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नॉवेल, द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल टू सर्व विद लव। इट इज़ द 17th चैप्टर ऑफ द नॉवेल। हमको सिर्फ एक चैप्टर दिया गया है पूरे नॉवेल का, जिससे हमको अंदाज़ा होता है कि नॉवेल कैसी थी। तो पिछले दिनों में हमने पिछले तीन पार्ट्स में हमने उसकी समरी देखी, उसका सिनॉप्सिस देखा, सारी डिटेल्स हमको पता है। और अब हम शुरू करते हैं इस टेक्स्ट से। द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल वॉज ऑन नवम्बर 15th एंड वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन द कैलेंडर ऑफ ग्रीन स्लेट स्कूल। तो ग्रीन स्लेट स्कूल जो था, जहाँ पर ब्रेथवेट एक टीचर की नौकरी कर रहे थे, तो वहाँ पर 15th नवम्बर को स्टूडेंट्स काउंसिल की हाफ ईयरली रिपोर्ट पेश होने वाली थी। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था स्कूल के लिए। I had heard quite a deal about these occasions and became as excited as the children as the day approached. तो इन्होंने सुन रखा था इसके बारे में कि ये होता है, ऐसे होता है, तो बहुत ही excited थे बच्चों की तरह ही। ब्रेथवेट भी excited थे उस दिन में, उस दिन के लिए कि क्या क्या होगा देखना है। It was entirely their day, arranged, presented and controlled by them. तो ये जो प्रोग्राम था, ये पूरा स्टूडेंट्स ही अरेंज करते थे, स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट करते थे और स्टूडेंट ही इसको कंट्रोल करते थे, सिर्फ टीचर्स बैठकर ऑब्जर्व करते थे। आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ माय क्लास एज दे प्रिपेयर्ड फॉर इट, नथिंग विद प्राइड, द बिजनेस लाइक वे इन विच टास्क वेयर एलोकेटेड एंड फिटेड इन टू अ नीट प्रोग्राम। तो उन लोगों के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हर चीज़ जो है वेल प्लान्ड थी और बहुत सही तरीके से सारे काम जो है बांट दिए गए थे और बहुत ही नीट प्रोग्राम के तहत ये सब हो रहा था। देयर वेयर विस्पर्ड कॉन्फ्रेंसेस विद मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस इन द अरेंजमेंट ऑफ इट। और दूसरी क्लासेस के मेंबर्स के साथ भी उन लोगों की बातचीत होती थी। ऑन दैट डे देयर वॉज नो असम्बली भी नहीं थी उस दिन। The children arrived smartly dressed and polished, and Miss Joseph and Denham, who seemed to be the important officials for the occasion, moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his or her part. तो जो representatives थे Miss Joseph और Denham, तो ये लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एयर के साथ आप घूम रहे थे और देख रहे थे कि उनके कोलीग्स ने सारी तैयारी अच्छे से की है या नहीं। बेल वॉज रंग एट 10 AM एंड everyone trooped into the auditorium to sit together in classes. Miss Joseph and Denham, the two most senior students, sat on the stage, one on each side of Mr. Florian, who as soon as everyone was seated and silent, stood and addressed the school. तो मिस्टर फ्लोरियन जो थे वो हेडमास्टर थे, और ये जो थे मिस जोसेफ और डेनहैम, ये ब्रेथवेट की क्लास के सीनियर स्टूडेंट्स थे और वो इनके पास बैठे थे स्टेज पर। और जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो मिस्टर फ्लोरियन ने अपनी स्पीच दी बच्चों को। ही स्पोक एट लेंथ रिटेरेटिंग द aims and policy of the school and of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims. He gave praise wherever it was indicated, but insisted that there was yet a great deal to be done by themselves towards a general improvement in conduct, cleanliness and the pursuit of knowledge. तो उन्होंने अच्छी स्पीच दी जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे स्कूल के जो एम्स हैं, तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत, मतलब जहाँ तारीफ़ की ज़रूरत थी, जहाँ पर प्रेज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने प्रेज़ भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमको बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, क्लीनलीनेस की ज़रूरत है, नॉलेज को परसीव करने में हमें और ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत है। As I listened, I realized that this man was in no way remote from his school. His remarks all showed that he identified himself with it and everyone in it. He then wished them success with the council meeting and left the stage to tremendous applause. तो उन्होंने उनकी बातों से ब्रेथवेट को ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा
इन्वॉल्व्ड हैं स्कूल में, और इनकी वो हर चीज़ से, स्कूल की हर चीज़ से वो वाकिफ थे। और उन्होंने अपनी स्पीच जब ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि ये जो काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसके लिए मैं बेस्ट विशेस देता हूँ, और सारे स्टूडेंट्स ने उनको बहुत अप्लॉज किया और फिर वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। थिंग्स नाउ मूव्ड क्विकली इनटू गियर। फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूड अप एंड गेव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउंसिल्स पर्पस एंड इट्स एक्टिविटीज़। ईच क्लास वुड रिपोर्ट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयर विच बिगैन आफ्टर ईस्टर, अ रिप्रेजेंटेटिव हैविंग बीन चोजन फॉर ईच सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मिस जोसेफ जो थी स्टूडेंट थी वो, तो उन्होंने खड़े होकर बताया कि हमारी ये जो हो रही है मीटिंग, इसका पर्पस क्या है और इसकी एक्टिविटीज़ किस तरह होंगी। तो उन्होंने बताया कि हर क्लास से, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बात करने वाले थे। ये जो आधा साल गुजरा है इसमें उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा और किस तरह उन्होंने ये स्टडी को पाया, ये सारी बातें जो है हर क्लास के बच्चे आकर करने वाले थे। When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising out of the various reports. तो ये सारे performances होने के बाद, student representatives के जो performance थे वो होने के बाद, एक panel था, तीन teachers का वो panel था, वो stage पर आकर बैठने वाले थे और जो question answers का जो session था वो होने वाला था। द सेलेक्शन ऑफ द पैनल एज विद एवरीथिंग एल्स वॉज एंटायरली एट द डिस्क्रीशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड नो मेम्बर्स ऑफ द स्टाफ न्यू आइदर हाउ मैनी और विच टीचर्स वुड बी इन्वाइटेड टू सिट। तो ये बिल्कुल राज में रखी गई थी बात कि उस पैनल में कौन कौन टीचर्स बैठने वाले थे, ये किसी को नहीं पता था। द रिपोर्ट्स बिगैन विद द लोवेस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट। देर वर मेनली 12-year-olds who had joined the school the previous summer. Most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school, but nevertheless they managed it creditably. They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, so their report was understandably rather short. To sabse pehle jo sabse choti class thi uske students aaye, to wo थोड़े शर्मा रहे थे क्योंकि पहली मर्तबा उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा था पूरे स्कूल के सामने बोलने का। क्लास आफ्टर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड एंड इट वॉज ऑब्वियस दैट विद ईच सक्सीडिंग टर्म देर वॉज अ मार्क्ड डेवलपमेंट। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ रहा था, स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस था वो भी बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स much of the work was rather elementary, but to them it loomed large because they understood it and something of its relationship to themselves. Throughout all the reports the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. To bachcho ne jo performance diya tha ki unko jo subject sikhaye ja rahe hain to unhone kya samjha ye wo bata rahe the. When the turn of my class came, I sat up anxiously. अब जैसे जैसे सारी क्लासेस एक के बाद एक होती गई और लास्ट जो है सबसे लास्ट क्लास जो थी वो मिस्टर ब्रेडवेट की थी, तो जब उनकी क्लास की बारी आई तो ये एकदम बेचैन हो गए कि मेरे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पता नहीं कैसे होगा। From the list he held in his hand, Denham called out the names of the representatives together with the subjects on which they would report. तो ये लिस्ट जो है डेनहैम ने वहाँ पर अनाउंस की कि पॉटर जो था वो अरिथमेटिक के बारे में बात करने वाला था, सैपियानो नेचर स्टडी के बारे में बात करने वाला था, मिस पेग एंड जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में, मिस डेयर एंड फर्नमैन फिजियोलॉजी के बारे में, मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में, और ख़ुद डेनहैम पीटी और गेम्स के बारे में, और मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के बारे में बात करने वाले थे। आई फेल्ट टेरिबली प्लीज्ड एंड proud to see the confident courtesy with which Denham used the term miss in addressing each of the senior girls. I felt sure that this would itself be something for the younger ones to aim at, a sort of badge of young adulthood. तो ये जो
बच्चों को जब भी पुकारा जा रहा था तो लड़कियां अगर होती तो उन्हें मिस के साथ उनका नाम लिया जा रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में कि किस तरह इज्जत देकर बच्चियों को वहाँ पर इज्जत अफजाई उनकी हो रही थी इसकी वजह से। तो सारे लोग जो है ये सुनकर बहुत ही खुश थे। एज देयर नेम्स वर कॉल्ड दे वॉकड अप टू द स्टेज एंड टुक देयर सीट्स विद कमेंडेबल ग्रेविटी। मिस जोसेफ देन गेव अ शॉर्ट एड्रेस। शी सेड दैट देयर लेसन्स हैड अ पर्टिकुलर बायस टूवर्ड्स द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड एंड दैट दे हैड बीन लर्निंग थ्रू ईच सब्जेक्ट हाउ ऑल मैनकाइंड वॉज इंटरडिपेंडेंट इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड डिफरेंसेस इन कलर रेसेस एंड क्रीड्स। तो मिस जोसेफ ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये जो हमारी पढ़ाई है तो इस पढ़ाई का मकसद ये है कि हम ये जान पाएँ कि जो मैनकाइंड का जो ब्रदरहुड हो जो होता है इंटरडिपेंडेंसी जो होती है कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। हालांकि सबके अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन होगी उनके कलर्स में डिफरेंस होगा कोई गोरा होगा कोई काला होगा उनकी रेसेस अलग अलग होंगी नस्लें अलग अलग होंगी ये सब अलग होगा लेकिन उसके बावजूद सारे इंसान जो है वो एक दूसरे के भाई हैं। देन शी कॉल्ड ऑन पॉटर। पॉटर वेंट ऑन टू स्पीक ऑफ द वर्क दे हैड डन ऑन वेट्स एंड मेजर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द किलोग्राम एंड द पाउंड द मीटर एंड द फुट। ही सेड दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड वन और अदर ऑफ द और ऑफ दोज टू मेथड्स वॉज आइदर इन यूज और अंडरस्टूड एंड दैट इट वॉज अ सिम्बल ऑफ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विच वॉज बींग अकम्पलिश बिटवीन पीपल्स। तो ये बताया जा रहा था कि किस तरह ये जो वेट्स और मेजर्स जो होते हैं तो वो किस तरह एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और किस तरह उसका यूज़ करने का मेथड होता है। तो इसकी जो यूज़फुलनेस है उसके ऊपर पॉटर ने बात की। सैपियनो स्पोक ऑफ द स्टडी द क्लास हैड मेड ऑफ पेस्ट स्पेशली ब्लैक रॉट ऑन वीट बॉल वीविल ऑन कॉटन एंड कोलोराडो बीटल ऑन पोटैटोज। ही शोड हाउ मेनी कंट्रीज हैड पूल्ड देयर नॉलेज एंड रिजल्ट्स of research on the breeding habits and migration of these pests and were gradually reducing the threat they presented to the important products. तो सैपियनो भी अब पेस्ट्स के बारे में बात करता है बहुत ही नॉलेजेबली वो बात करता है। उसके बाद मिस पेग एंड जैक्सन डिवाइडेड द रिपोर्ट ऑन जियोग्राफी बिटवीन देम। जैक्सन स्पोक फर्स्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस ओवर द अर्थ सरफेस हाउ अ कंट्री रिच इन वन वॉज ऑफन डेफिशियंट इन द अदर एंड ऑफ द इंटरचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस विच इनएविटेबली फॉलोड। मिस पेक डेल्ट विद द ह्यूमन रिलेशनशिप्स स्ट्रेसिंग द प्रॉब्लम्स फेसिंग द पोस्ट वॉर वर्ल्ड for feeding, clothing and housing its populations. She also made a reference to the thousands of refugees, stateless and unwanted, and to the efforts and programs of UNICEF. Fernman, as usual, had a trump card up his sleeve. When called, he made a signal to someone off stage, and Welsh and Allison appeared bearing a skeleton between them together with a sort of gallows. तो ये जो था मिस पेग और जैक्सन ने जियोग्राफी के बारे में बहुत अच्छा वो दिया था। उसके बाद जो है व्हेन दिस अरेंजमेंट हैड बीन सेट अप देयर वाज द स्केलेटन हैंगिंग फ्रॉम अ हुक स्क्रीव्ड इनटू द टॉप ऑफ इट्स स्कल जेंटली रिवॉल्विंग एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड। दिस वाज समवॉट इन द नेचर ऑफ कॉमिक रिलीफ एंड द स्कूल शोड इट्स अप्रूवल बाय लाफिंग अप्रोरियसली। तो अब इनके ज्योग्राफी के परफॉर्मेंस के बाद फिजियोलॉजी का परफॉर्मेंस होने वाला था जिसमें एक स्केलेटन लाया गया और उसको बीच में हैंग कर दिया गया था स्टेज के। तो ये देखकर सारे के सारे स्कूल के बच्चे जो थे सब के सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बट लेविटी सून इवेपोरेटेड व्हेन फर्नमैन बिगैन टू स्पीक। हिज वॉइस वॉज क्लियर एंड प्रिसाइज एंड ही हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्रामेटिक कॉलमनी
Calmly he told them that it was a female skeleton. That was a fact and could easily be proved. But he could not say with any assurance whether she had been Chinese or French or German or Greek, nor could he say if she had been brown or white or a mixture of both. And from that, he said, the class had concluded that basically all people were the same. The trimmings might be different, but the foundations were all laid out according to the same blueprint. तो फर्नमैन जो था स्टूडेंट, उसने फिजियोलॉजी के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाया था. एक स्केलेटन वो लेकर आया और उसने बताया कि मैं ये आपको यकीन से बता सकता हूँ कि ये स्केलेटन जो एक औरत का है, फीमेल का है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो काली थी या गोरी थी या वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, क्या वो चाइनीज़ थी या वो फ्रेंच थी, ये मैं नहीं बता सकता. क्यों? क्योंकि सबका जो बेसिक स्केलेटन होता है वो एक ही जैसा होता है. ये कलर्स, क्रीड, ये सारी चीज़ें जो बात की बातें हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं सब एक जैसे होते हैं. फर्नमैन वॉज वंडरफुल, ही हैड देम ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड्स. मिस डेयर्स कंट्रीब्यूशन वॉज समथिंग ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स आफ्टर फर्नमैन्स परफॉर्मेंस and she seemed to realize it. She spoke about the problems which all humanity has to face in terms of sickness and disease, and of the advantages and advantages gained by interchange of knowledge, advice and assistance. तो फर्नमैन का इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद किसकी बारी थी? मिस डेयर की. तो मिस डेयर ने अपने परफॉर्मेंस में इलनेस के बारे में बताया कि किस तरह सिकनेस होती है, डिजीज़ेस होते हैं, और कौन से किस चीज़ों की एडवांटेजेस से और किस तरह की नॉलेज के इंटरचेंज से हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं. तो इस तरह आज के लिए इतना ही. थैंक यू.